नमस्कार दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र विभिन्न प्रक्रिया में संपन्न होता है और सबसे पहले मुख गुहा द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और यह एंजाइम जीव में उपस्थित होते हैं। मुख में भोजन को जब हम कुदरते हैं, मतलब कि जीव के द्वारा चबाते हैं, तो में शर्करा और स्टार्च बनता है। यह टाइलिन नामक एंजाइम द्वारा बन है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। यदि भोजन को हम जितना चबाते हैं तो उस वह सर उतना ही मीठा लगता है और शर्करा और ऊर्जा के रूप में प्रदान करता है। तो भोजन सर्वप्रथम ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में भोजन और इसमें एक स्लेम एंजाइम पाई जाती है जो भोजन को चिकना बनाता है, तथा चिकना बनने के कारण यह आहार नाल मतलब ग्रसनी ग्रसिका में नहीं अटता, सीधा अमाशय में चला जाता है। अमाशय यह डायफ्राम के नीचे द्विपालिक संरचना होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख एंजाइम जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन, पेप्सिन जो भोजन का आंशिक रूप से पाचन करते हैं और दोस्तों भोजन जब मुख से ग्रहण करते हैं तो अमाशय तक आने में कुल 6 सेकंड लगते हैं। यह जीके का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। और भोजन जब अमाशय में आंशिक पाचन के दौरान ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी में यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रावण होता है, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है जो भोजन को मिलाते हैं और उसमें प्रोटीन के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हम बताएंगे कि भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में इसका पाचन होता है। छोटी आंत में वास्तव में इसका पूर्णतः पाचन हो जाता है और भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आदि खनिज लवण जो होते हैं तो इनमें छोटे छोटे पुंकेसर पाए जाते हैं जो कोशिकाओं के माध्यम से भोजन में उपस्थित प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अवशोषण कर कोशिका में पहुंचा देते हैं और भोजन पुनः बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भोजन का कोई कार्य नहीं होता, इसमें केवल सिर्फ पानी का अवशोषण होता है और जो भोजन से जो मल बनता है वह ठोस हो जाता है और गुदा के द्वार के माध्यम से बाहर निकल आता है। इसमें मलाशय होता है, मलाशय में जो होता है मल इकट्ठा होता है और गुदा के द्वार के माध्यम से भोजन बाहर आ जाता है। दोस्तों हम बताएंगे अगले वीडियो में कि जो एंजाइम होते हैं और ग्रसनी ग्रसिका, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय आदि से मतलब कौन से एंजाइम निकलते हैं, ये क्रिया हो क्या होती है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप इसको किस प्रकार से समझ सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।